नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रिया आपके साथ, और आज लगातार जिस बात पर हम चर्चा करेंगे वो है ये किसका राज। यानी कि अगर बात हम देश की कानून व्यवस्था की करें, पुलिस व्यवस्था की करें, तो वो किस ओर जा रही है ये फिलहाल समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर बात एनसीआरबी के आंकड़ों की करें तो 2017 के जो आंकड़े सामने निकलकर 2018 में आए थे, उसमें यह मालूम पड़ा था कि करीब 31 लाख केस आईपीसी के तहत पूरे देश में दर्ज हुए। लेकिन इसके बावजूद अगर एनसीआरबी के आंकड़े आने बंद हो गए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई है, बल्कि इसका मतलब यह है कि ये आंकड़ों की जो कड़ी है और ज्यादा बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ जब हम बात पुलिस व्यवस्था की करते हैं, पुलिस व्यवस्था में पूरा सहयोग देने का जो जिम्मेदारी होती है वो जनता की भी होती है, लेकिन जनता उसमें सहयोग कैसे करे, जनता उसमें समर्थन कैसे करे, जब जनता का विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है पुलिस व्यवस्था से। ऐसी कई तस्वीरें सामने आती है, सिर्फ एक राज्य से नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से, देश के अलग अलग कोनों से, जहां से ये पता चलता है कि पुलिस व्यवस्था यानी कि पुलिस जिस पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, जनता का सुरक्षा को लेकर, जनता की देखभाल को लेकर, और जनता किस इस वक्त माहौल में रह रही है, जो लगातार केस हो रहे हैं, जो क्राइम के आंकड़े निकलकर सामने आते हैं, उसके बाद जनता पुलिस पर कितना विश्वास कर रही है, क्योंकि अब विश्वास उठता जा रहा है और उठता क्या पूरी तरह से खत्म हो जा रहा है। जनता और पुलिस के बीच में जो एक संबंध होना चाहिए था, जो कई सालों पहले देखा जाता था, अब वो नहीं देखा जा रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? हालांकि सर पुलिस को कोसना यहाँ पर ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार से भी कई सवाल किए जाएंगे। सरकार से सवाल यह भी किया जाएगा कि आखिर पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने में राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, वो कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। अगर बात हम लगातार की जा रही भर्तियों की करें तो उसमें कितनी भर्तियां अब तक हुई हैं, यह भी बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर बात हम करें तो 50% से लगातार कम जो भर्तियां हैं वो हो रही हैं, जिसके कारण जो पुलिस पर दबाव है वो बना रहता है। दूसरी तरफ देखिए, यहां पर एक जो विरोधाभास देखा जा रहा है जनता और पुलिस के बीच, क्योंकि अगर किसी भी मुद्दे को लेकर पुलिस के पास जनता जाना चाहती है तो एक भरोसा उठा हुआ है कि हम जब पुलिस के पास जाएंगे तो उसका जो रवैया होगा वो वैसा ही होगा जैसे हमेशा से रहा है। ना तो FIR दर्ज होती है, ना ही किसी तरह का कोई संज्ञान लिया जाता है। अब एक और सवाल इसलिए भी उठाया जाता है कि भेदभाव पूर्ण रवैया बनाया जाता है, जो पुलिस है वो भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है। दूसरी तरफ अगर बात हम राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की करें, सरकारों पर सवाल इसलिए भी उठता है कि जो लगातार राजनीतिक दबाव भी है उसके कारण भी कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण रवैया पुलिस का रहा है। हालांकि आज जब हम चर्चा करेंगे तो कई सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट होने के बाद पुलिस को लगातार कही जाती है कि पुलिस को इंडिपेंडेंट बना देना चाहिए, 100% तक जो इंडिपेंडेंट है वो पुलिस हो जानी चाहिए। इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं, हम रूबरू कराते हैं आपको, ओम प्रकाश सिंह जी जो बीजेपी से प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शुभार्थ त्रिपाठी जी, विनोद सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विनोद सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं सरकार से ही करूंगी, क्योंकि बीजेपी से ओम प्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश सिंह जी, अगर विश्वास पुलिस से उठ रहा है जनता का, तो उसमें कहीं ना कहीं जो एक राजनीतिक दबाव है उसकी बात निकलकर लगातार सामने आती है, उस पर आप क्या कहेंगे? जी पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपने कहा है कि जनता का पुलिस के ऊपर विश्वास उठ चुका है जी, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ। बहुत अच्छी क्योंकि बात है। जनता को सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी FIR दर्ज कराने में। हमारे यहाँ FIR जो थानों में दर्ज होती है वो तो होती है, लेकिन सरकार ने पहला सिस्टम लागू किया है कि प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में SP कार्यालय में भी FIR की व्यवस्था की गई है। यदि थाने से हम वैध अनाकानी होती है या उस व्यक्ति की FIR नहीं लिखी जाती है तो वो SP कार्यालय में आकर के वो अपनी FIR दर्ज करा सकता है। आंकड़ों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में FIR 100% लिखी जा रही है, और ऊपर से निर्देश भी है कि जनता जो भी थानों में जाए उसके FIR दर्ज की जाए। दूसरी बात, आपने ये जो आंकड़े लेकर मैं बैठी हूँ, ये सारे आंकड़े सरकार की ओर से जारी किए जाते हैं, अलग अलग जो बड़ी संस्थाएं हैं उनकी ओर से सामने रखे जाते हैं। इन आंकड़ों में एक एक नाम मैं आपको गिनवा सकती हूँ, मैं हैदराबाद केस का नाम आपको गिनवा सकती हूँ, मैं इसके अलावा मेरठ का एक केस आपको गिनवा सकती हूँ, जहां पर परिवार वाले जब FIR दर्ज कराने पहुंचे उनके FIR दर्ज नहीं की गई और ना ही उनको कोई कॉपी दी गई। आप कह रहे हैं FIR दर्ज हो जाती है।
बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप तो। देखिए नहीं नहीं मैंने प्रिया जी ना मैंने आपके आंकड़े का खंडन तो किया नहीं। नहीं तो आंकड़ों का खंडन नहीं किया तो कि आपके आंकड़े झूठे हैं। नहीं आप कह रहे विश्वास नहीं उठाया आप कैसे कह सकते हैं। मैं अपना सिस्टम बता रहा हूँ, मैं अपना सिस्टम बता रहा हूँ, अपनी व्यवस्था बता रहा हूँ, न कि आपके आंकड़े को मैं खंडित कर रहा हूँ। मैंने कब कहा कि आपके आंकड़े झूठे? अगर मैं उसका खंडन, हाँ इतना मैंने जरूर कहा कि एफआईआर 100% लिखी जा रही है। दूसरी बात यह है तो फिर उनके पास क्यों नहीं मिल रही? जिनका मैंने नाम लिया उनको क्यों नहीं मिली वो एफआईआर? अब उसके बारे में हमको पर्टिकुलर जानकारी बहुत नहीं है सर। किसी काशी यही भेदभावपूर्ण रवैया है। आप उत्तर प्रदेश में रवैया अपनाने का जो साफ तौर पर आरोप पुलिस पर लगता है वो कहां से निकल रहा है वो यहां से समझ आ रहा है। अब देखिए ऐसा है प्रिया जी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और शासन का सख्त निर्देश है इस तरह की जानकारी होने पर उस संबंधित अधिकारी के भी। सर मैं खाली यूपी की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। मैं सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ। पूरे देश में तो पूरे देश की जहां तक बात है तो पूरे देश में जिन राज्यों में एफआईआर नहीं दर्ज हो रहा है आप हमारी सरकारों का उदाहरण दीजिए ना। आप अच्छा। राजस्थान में अगर एफआईआर अच्छा। नहीं दर्ज हो रहा है, अरे सर अपनी प्रदेश में एफआईआर नहीं दर्ज हो रहा है, अपने प्रदेशों की बात कीजिए। एनसीआरबी में सबसे ऊपर जो प्रदेश है क्राइम ग्राफ में यूपी है। अब आप पूरे देश को छोड़ के सिर्फ राजस्थान पर आ जाएंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा? केंद्र में आपकी सरकार है, कई राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र और राज्य की भूमिका दोनों की होती है ना? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। और कानून व्यवस्था स्थापित करना हमारी पूरी जिम्मेदारी है। भर्तियां हो नहीं रही हैं। आप ये देख लीजिए पुलिस वाले पर इतना दबाव रहता है। नहीं नहीं गलत बात है। अच्छा पुलिस का दबाव हमारी सरकार में नहीं है। पुलिस स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए। स्वतंत्र है पुलिस का सपा सरकार की तरह उस हर थाने का एक सपाही जो होता था इंचार्ज होता था जिसके कहने पर थाने का दरोगा एफआईआर दर्ज करता था और कार्रवाई करता था। पुलिस अधीक्षक और सीओ का पूरा राजनीतिकरण हो चुका था, उनका ट्रांसफर और पोस्टिंग उस वहां के विधायक और सांसद कराते थे। हमारी सरकार में ऐसा नहीं है कि जो है राजनीतिक संरक्षित हो। पुलिस में अभी भी 24% रिक्तियां हैं सर। तो 64% तो हमने भरा है ना। ठीक है आप आंकड़े लेकर प्रिया जी आई है, मैं पूरे अभी 65,000 सुनिए 2 महीना पहले अभी 65,000। प्रिया जी अपनी बात कहने के बाद मेरी बात सुनने के लिए 1 सेकंड समय दिया। मैंने ये कहा कि पुलिस विभाग में अब तक 84,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती हो चुकी है। ठीक है 3 महीना पहले 39,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई है, ठीक है। सारे ट्रेनिंग पर है उसके पुलिस बता रही हूं। हाँ मैं ये नहीं कराऊंगा 100 नहीं। आप आंकड़े अपना बिल्कुल दुरुस्त करके प्रिया जी बैठी है, लेकिन मैं कह रहा हूं आपके ही हिसाब से देखा जाए तो 64% पुलिस की भर्ती तो हमने किया। लेकिन एक बात और मैं प्रिया जी बहुत दावे के साथ करना चाहता हूं, ये जो पुलिस की 84,000 भर्ती हुई है वो पारदर्शी ढंग से हुई है। वह ऐसा व्यक्ति एक नहीं है जो पिछली सरकारों की तरह कहे कि हमने अपनी जमीन और जेवर बेच करके नौकरी पाई है, या जो पूर्वांचल की भर्ती हुई उसका भी आंकड़ा निकलवाई है, उसमें 58% सफाई। मत घुमाइए प्लीज मुद्दे को, डिबेट हो रही है, जो चर्चा हो रही है पुलिस की विश्वसनीयता को लेकर हो रही है, और ये कैसे दुरुस्त होगा, ये जो संबंध था जनता और पुलिस के बीच ये किस तरह से ठीक होगा, ये खाई कैसे पाटी जाएगी, उस पर चर्चा हो रही है। विनोद सिंह जी भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। विनोद सिंह जी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए भाजपा के साथ ही राजनीतिक बयान करने लगे, मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा क्योंकि देखिए पुलिस कहीं भी हो किसी भी प्रदेश की हो प्रोफेशनल तरीके से काम करे, आम जन के हित के लिए काम करे, और पुलिस मैत्री बन के जो खौफ है और सरकारों द्वारा जो दबाव की रणनीति के तहत चाहे वो विरोधी हो या कोई जिम्मेदार सरकार से जिम्मेदारी वाला सवाल हो तो
तो आवाज दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पुलिस स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, जो संविधान कहता है उसके अनुसार चले, इसका उसका किसी के हिसाब से ना चले। तो आम जन के लिए, देखिए हम कोई भी दल में हो, कोई भी नेतागण हो, हम सेवा करने के लिए आम जन के बीच में है। आम जन को समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके दोनों पहले, आज स्थिति आप जान रही है कैसी है। अगर आप सड़क पे आ जाते हैं, संविधान हमारा जिस बुनियाद पे टिका है असहमति की, अभिव्यक्ति की आजादी पर, अगर शांतिपूर्ण तरीके से भी लोग बैठे हैं तो पुलिस समझाती नहीं है, काउंसिलिंग नहीं करती है, आमतौर पर सीधे बल प्रयोग करके उनकी आवाज को दबाने का काम करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, जिन राज्यों में आपकी सरकार है, क्योंकि राज्य सरकार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और जिन राज्यों में आपकी सरकार है उसके तहत आप पुलिस मॉडर्नाइजेशन को लेकर क्या कर रहे हैं? देखिए, जहां जहां हमारी सरकारें हैं, हमने ये प्रयास किया है कि पुलिस निष्पक्ष तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से अपना काम करें। अब उत्तर प्रदेश देखिए, पिछले दिनों पूरे देश में उत्तर प्रदेश की स्थिति कैसी, उत्तर प्रदेश को लेकर मैं सवाल करूंगी। नहीं, निष्पक्ष तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से काम करें, पुलिस को आपने, आप पुलिस के लिए आपने ही कहा, क्या उसके बीच कर रहे हैं वो तो मुझे बताइए, उसमें क्या क्या कर रहे हैं सर? हम राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, इसीलिए वहां ऐसी कोई भी विवाद की स्थिति, चाहे पुलिस के विभाग के अंदर की बात हो या वहां से जनता को डील करने के संदर्भ में हो, हमारी सरकारें एकदम नीति निर्धारित कार्यक्रम के तहत चल रही हैं। और पुलिस पर लगा रहे हैं, ये बताइए मुझे, क्या सरकारी व्यय का कितना खर्च आप पुलिस पर खर्च कर रहे हैं? देखिए, पुलिस की आवश्यकता अनुसार, अब स्टेट दर, हर स्टेट की स्थिति अलग है, उस हिसाब से कहीं पर पुलिस ज्यादा मॉडर्न है, वेल इक्विप्ड है, तो वहां पर हम दूसरी जगहों पे ध्यान दे रहे हैं, कहीं पर और ज्यादा आवश्यकता बजट की है, संसाधन जुटाने की, तो वहां दूसरी तरीके से, हर प्रदेश की चुनौतियां अलग है। अभी भी जो कमी है ना, जो लगातार जो आंकड़े में अभी देख रही हूँ, उसमें साफ तौर पर ये जाहिर किया गया है कि राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर कोई अन्य राज्य हो, इनमें खुद बीजेपी सरकार के भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हथियार खरीदने के बावजूद थानों में नहीं पहुंचते पुलिस वालों तक। सर, उसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, ये तमाम राज्य शामिल हैं, उसके बारे में भी जरा बताइए, क्या पहुंचा रहे हैं आप लोग? अभी जिन प्रदेशों में है हम, है जल्दी सरकार, एक डेढ़ साल का समय हुआ है, लेकिन ये हम वादा करते हैं, हमारा फोकस है, प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हमारी सरकार पूरी पूरी होते, भाजपा सरकारों ने जिस तरीके का दुरुपयोग किया पुलिस प्रशासन का और उनके मसले नहीं हल कर पाई, हम पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि प्रोफेशनल तरीके से हम जनता की मैत्री पुलिस की भूमिका में रहे, जनता में रक्षा सुरक्षा का माहौल हो, और जिम्मेदार चैनल के रूप में आप जैसे पत्रकारों का भी कोई सजेशन, कोई डेटा, हम आंकड़े के आधार पर बात करेंगे और सुधार, गुणात्मक सुधार की ओर बढ़ेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देंगे। सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, सरकार को, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार को, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार को, लेकिन उसको लेकर कोई आंकड़ा आपके पास नहीं है, लेकिन आने वाले समय में और दुरुस्त करेंगे, ये कह रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल है, लगातार पुलिस सुधार का कार्यक्रम चल रहा है हमारा हर प्रदेशों में, और आप इसीलिए देख लीजिए ना, कहीं से कोई शिकायत इतनी बड़ी स्तर पर नहीं आती, आती है तो प्रशासनिक स्तर पर उसका निराकरण हो जाता है। जो स्थिति भाजपा शासित प्रदेशों की है, वैसी क्या कांग्रेस शासित प्रदेशों की हालत है क्या? सर देखिए, ये मेरी बात का जवाब तो खैर नहीं हुआ, ना ही आपके पास कोई आंकड़े हैं, लेकिन यूपी सरकार पर बहुत आरोप लग रहे हैं, ओम प्रकाश सिंह जी, यूपी सरकार पर, और खास तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर अगर मैं बात करती हूं, तो हालांकि अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग राज्यों से बड़े बड़े आंकड़े सामने आते हैं, लेकिन उसी बीच एनसीआरबी की जब हम बात करते हैं, एनसीआरबी के जो आंकड़े सामने आते हैं, या फिर यूपी का जब भी जिक्र होता है किसी अन्य राज्य में, दिल्ली में या फिर कोई और राज्य की मैं बात करूं, तो यही क्यों सवाल उठता है कि अच्छा यूपी, वहां तो कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ऐसा क्यों है? ओम प्रकाश जी, यह भ्रम है कि यूपी की कानून व्यवस्था अन्य प्रदेशों से अलग है, बल्कि अन्य प्रदेशों से अच्छी। ओम प्रकाश जी, कौन सा भ्रम? मैं बोल रहा हूँ प्रिया जी, कि उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने सख्ती से लागू किया है,
अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है, जिस प्रकार से पुलिस का आधुनिकीकरण किया गया है, आप देखिए एक माह के अंदर जो अंग्रेजों के जमाने से 303 बोर की जो राइफलें चलती थी उसकी जगह हम आधुनिक राइफलें देने जा रहे हैं, उसको विदा करने जा रहे हैं। सारे पुलिस विभाग को हमने आधुनिक जो है साजो सज्जा से उनको वाहनों को उपलब्ध कराया है, उनके रहन सहन के लिए दुरुस्त कराया है। लोगों को कि कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, यहाँ पर 3 लाख से ज्यादा आईपीसी के तहत मुकदमे दर्ज हैं। 2017 की सिर्फ मैं बात करूँ, 18-19 के तो अभी आंकड़े ही नहीं आए हैं, वो तो पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे, यूपी की मैं बात कर रही हूँ। दूसरी चीज, लगातार लोगों के सामने आंकड़े हैं, उन्नाव का हाल ही में हुआ केस हो, कुलदीप सिंह सेंगर वाला केस हो, आज कानपुर से एक और मामला निकलकर सामने आया है, वो हो, ये वो तमाम केसेस हैं जो यूपी की पोल खोलते आए हैं, खोलते रहेंगे, और फिर आप लोग कहते हैं कि भ्रम लोगों में बना हुआ है। इसके अलावा अब आप बात कर रहे हैं यूपी सरकार की, यूपी सरकार बहुत काम कर रही है, यूपी सरकार लगातार ट्रांसफर्स पर काम करती है, लगातार सामने आकर ये बताती है कि इतने साल हो गए और यूपी की कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त हो गई, जमीनी स्तर पर क्यों नहीं दिख रहा फिर कुछ? बिल्कुल जमीनी स्तर पर देख रहा, आपको दिख रहा है क्या? सवालों को सख्त निर्देश है, सुनिए सुनिए प्रिया जी, पुलिस हम ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सब घटनाओं का त्वरित गति से पर्दाफाश हुआ है। प्रिया जी जरा एक मिनट बात सुनिए, उत्तर प्रदेश देश का बहुत बड़ा प्रदेश है, विश्व का सबसे बड़ा कुंभ हुआ, ओम प्रकाश सिंह जी मैं आपके पास वापस लौटूंगी इस वक्त, आप ये बताइए सुभाष त्रिपाठी जी जो एसजीजी हैं उत्तर प्रदेश से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एसजीजी सुभाष त्रिपाठी जी, सुभाष त्रिपाठी जी फोन लाइन पर हालांकि हमारे साथ जुड़े हैं। सुभाष त्रिपाठी जी देखिए, पुलिस पर जिस तरह के लगातार सवाल उठ रहे हैं कि विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म कर चुकी है यूपी पुलिस, जनता के साथ जो संबंध है वो पूरी तरह से खत्म कर चुकी है पुलिस, और लगातार पता नहीं किस दबाव में पुलिस काम करती है, इन सवालों का क्या जवाब मिलेगा कि पुलिस पर जितने सवाल उठ रहे हैं सबूतों के साथ, इसके सबूत भी पेश किए जा रहे हैं लोगों की तरफ से, जो डर का माहौल बन गया है लोगों में, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं सुब्रत त्रिपाठी हूँ, जो माहौल ये बन रहा है ये इसलिए बन रहा है कि एनकाउंटर इत्यादि जो है एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, जैसे कृत्रिम ऑक्सीजन किसी को दी जाए। राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह से अधिक एनकाउंटर किसी ने किया और उनके राज्य में रोज कहीं पुलिस जा रही थी, कहीं कमिश्नर जा रही थी, रोज एक सेकंड रहते थे। मैं ये बात कर रही हूँ पूरे देश में जो कानून व्यवस्था है, जो पुलिस व्यवस्था है, उस पर से जो विश्वास उठ चुका है लोगों का, क्योंकि जब हम पुलिस व्यवस्था की बात करते हैं कि आखिर किस तरह ये पुलिस व्यवस्था काम कर रही है, जो लोगों का विश्वास इससे उठ चुका है, भ्रष्टाचार हो, FIR दर्ज कराने की बात हो, या फिर लोगों के साथ भेदभाव करने की बात हो, ये तमाम तरीके तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है पुलिस की ओर से, और सबूत भी है इसके सारे साथ। देखिए इसका कारण यह है कि जो चीजें जब एक रिजल्ट ओरिएंटेड चीज कहा जाती है, कितना आपको करना है, रिजल्ट आना है, कि जैसे अपराध घटना है, अपराध कैसे घटेगा, जब अपराध लिखे में जाएंगे तो अपराध और बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि अपराधों की परिभाषा जैसे बलात्कार को ले लीजिए, अब आज की जो बलात्कार की परिभाषा है उसमें जितने चीजें बलात्कार की श्रेणी में आती हैं उतनी आज के 20 साल पहले उनको अपराध ही नहीं माना जाता था, जिसको कि यौन शोषण का एक नया कांसेप्ट आया। तो लिटरली अगर आंकड़े देखे जाएं, अगर अपराध न भी बढ़े तो आंकड़े दूने तिगुने बढ़ जाने चाहिए, अगर अगर अपराध न बढ़े इसी तरह अगर है जिसमें अपराध लिखे जाते हैं। पुलिस की ओर से कहां कमी आ रही है, जो लगातार जो खाई है पुलिस और जनता के बीच ये बढ़ती जा रही है, जनता आप पर विश्वास नहीं कर रही है, जनता ये कहती है कि अपराध की संख्या घटाने के लिए पुलिस FIR लिख नहीं रही है, इसीलिए जनता से मुठभेड़ बढ़ रही है जी। FIR की संख्या, मुकदमों की संख्या घटाने के लिए संसद में विधानसभा में आंकड़े पेश करने के लिए अपराध लिखे नहीं जा रहे हैं, इसीलिए अविश्वास की स्थिति पैदा हो जा रही है। सुभाष जी कि इसका क्या तरीका होगा कि इस खाई को पाटा जाए, जो लोग आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे, इसके लिए
देखिए मैं सिर्फ पुलिस पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, यहाँ पर मैंने सरकार से भी सवाल पूछा। राज्य सरकारों का भी ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है कि जो व्यवस्था होनी चाहिए पुलिस के लिए भी, जो चीजें तमाम पुलिस को चाहिए होती हैं, वो हथियार हो, वो वाहन हो, वो तमाम चीजें हो, वो भी उपलब्ध होनी चाहिए, जिसमें लगातार कमी रही है, पुलिस भर्तियों में लगातार कमी रही है। लेकिन इसके साथ साथ पुलिस को भी ये बताना चाहिए ना कि क्या बड़ा कारण है इसका। शॉर्टकट समाधान ढूंढे जा रहे हैं, इनकी जगह हो गया, जिससे कि परमानेंट इलाज निकल सके। कैसे निकलेगा? लेकिन सर पुलिस वाले भी तो कुछ बताएंगे ना कि भाई जब शॉर्टकट समाधान ढूंढे जाएंगे, किसी तरह से आंकड़ा घटा दो, किसी तरह से मुकदमा मत लिखो, मार दो, ये शॉर्टकट समाधान है सर। लॉन्ग टर्म समाधान है कि मुकदमे सही ढंग से लिखे जाए और सही ढंग से करके मल्टी में सामने लाया जाए। मतलब आपका ये कहना है कि जो परमानेंट एक समाधान होगा, लोगों की बातें हाँ, सुनी जाए, परमानेंट समाधान न करके उसका शॉर्ट टर्म समाधान होगा। बाम लगाने से ब्लड प्रेशर नहीं ठीक होता है, बाम लगाने से सर दर्द में थोड़ी कमी आती है लेकिन ब्लड प्रेशर नहीं ठीक होता है। सुब्राज जी मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ, आपने तरीके की बात की, जो इसका क्लियर एक जो समाधान निकाला जाना चाहिए, पुलिस को क्या लगता है कि सरकार को इसमें क्या रोल अपनाना चाहिए? क्योंकि राजनीतिक दबाव की बात लगातार कुछ ही समय पहले आती रही है, कुछ ही समय पहले खबर ये भी आई थी कि राजनीतिक दबाव के कारण भी दो पुलिस वालों ने आत्महत्या कर ली थी, ये आंकड़े भी हमारे पास है। लेकिन फिलहाल पुलिस क्या चाहती है इसके समाधान के लिए, क्योंकि जो लगातार डर लोगों में बना हुआ है पुलिस को लेकर, उसका समाधान निकालना जरूरी है। पूरे देश में अगर पुलिस व्यवस्था की हम बात करते हैं, पुलिस पर ही निर्भर है आम लोग, तो समाधान होगा तो सभी समस्याओं का समाधान होगा, वरना किसी का नहीं होगा। हमें समग्रता में समाधान ढूंढना होगा, हमें समाधान को फुटकर न ढूंढ करके, इक्का दुक्का न ढूंढ करके, हमें समग्रता में समाधान ढूंढना होगा, टोटलिटी में समाधान ढूंढना होगा कि किस तरह से व्यवस्था अस्थायी रूप से चुस्त हो। आज जगह जगह पैबंद लगाए जा रहे हैं, एक समस्या आई जिसका समाधान सोच जा रही है, फिर दूसरी समस्या पैदा हो जा रही है, तीसरी हो जा रही है। एक समग्रता में समाधान के लिए एक पद्धति बनाई गई है, सिस्टम बनाया गया है, अगर उसमें कमी और दूर किया जाए, लेकिन बिना कोई सिस्टम को फॉलो किए हुए एट रैंडम लोकप्रियता के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए शॉर्ट टर्म हथियारों को हमें छोड़ना होगा। ठीक है, चलिए सुब्राज जी बहुत बहुत शुक्रिया, पूर्व डीजी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब मैं पहुंचूंगी ओम प्रकाश जी, जो लगातार तमाम चीजों के जवाब दे भी रहे हैं। ओम प्रकाश जी आपने खुद सुना कि जो समाधान होगा वो कहीं ना कहीं ढूंढना होगा, क्योंकि एक समस्या का समाधान होता नहीं है पर दूसरी समस्या सामने आकर खड़ी हो जाती है, चाहे वो हथियारों से जुड़ी हो, वाहनों से जुड़ी हो, और वो तमाम जो लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं उससे जुड़ी हो, उन तमाम चीजों को लेकर क्या समाधान निकाला जा रहा है सरकार की ओर से, ये मुझे बताइए। क्या कोई काउंसलिंग होती है पुलिस वालों के लिए? क्या कोई मॉडर्नाइजेशन की बात की जाती है? क्या रिक्तियों को भरने की बात की जाती है? राज्य सरकारें वाहनों को लेकर क्या कर रही है, पुलिस को जो वाहन की आवश्यकता है, इसके अलावा हथियारों को लेकर क्या काम कर रही है, ये सब चीजें बताइए प्रिया जी। आप हमें दो मिनट का समय, ठीक है सर ले लीजिए आप, मैं बताता हूँ। हाँ प्रिया जी, मैंने पहले ही कहा कि देश की आजादी के समय से जो उत्तर प्रदेश पुलिस के पास 303 बोर की राइफलें थी, जिसको अनुपयोगी आधुनिक हथियारों के मुकाबले अनुपयोगी माना जा रहा था, अच्छा। उनकी डेडलाइन 30 तारीख रखी गई है, 30 तारीख के बाद उनको सभी आधुनिक हथियार दिए जाएंगे, या समाचार पत्रों में ये सर देखिए अभी तो आपके, मैं यूपी के पुलिस वालों की आपने वीडियो भी देखी होगी, हाथ से ठाई ठाई कर रहे थे वो, ठीक है, आप हथियारों को बंद कर उसी रहे को हैं। बताया तो मैंने हाँ, और उसके बाद नए हथियारों की बात कर रहे हैं, हथियार कब मिलेंगे, सुनिए, एक उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा पुलिस प्रणाली को सुधारने के लिए, उनके आवास के लिए, उनके राइफल के लिए, उनके वाहन के लिए, उनकी सुविधा के लिए उन्होंने बहुत बड़ी धनराशि किया और परिवर्तन किया, जो अंग्रेजों के जमाने से सिस्टम चला रहा था। यह हमारी जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम उनको दे रहे हैं। नंबर एक सुनिए, ठीक है, नंबर दो सुन लीजिए। नंबर दो, देश की आजादी के बाद प्रिया जी पहला उत्तर प्रदेश सरकार है जिसमें
300 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके भ्रष्टाचार, उनके जनता की शिकायत पर उनके भ्रष्टाचार, उनकी लापरवाही, विभागीय कार्य न करने के कारण 286 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को या तो अनिवार्य सेवानिवृत्त दिया गया या उनको निलंबित किया, प्रमोशन का रोका गया। ये लगातार कार्रवाई हो रही है। ठीक है ओम प्रकाश जी, आपने ये जो आंकड़े पेश किए हैं इसका कोई तथ्य आप लोगों के पास नहीं है? विनोद सिंह जी आखिरी टिप्पणी। देखिए भाजपा के साथी कह रहे हैं इतनी बड़ी बात, अभी लखनऊ में 3-4 दिन पहले एक महिला पुलिसकर्मी ने सोशल मीडिया पे अपनी व्यथा बताई, राजधानी की ये हालत है। हाँ। तो वो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, केवल बात करने से जन समस्याओं का हल नहीं होगा। पुलिस का भी एक आंतरिक कितना बड़ा विवाद पिछले हफ्ते था, जिसमें कई पुलिस वालों की शिकायत थी सीनियर आईपीएस अधिकारियों की कि ये गलत तरीके से पुलिस में अंदर कितना अंदरूनी विवाद है। तो देखिए केवल अभी डीजी साहब ने कहा समग्रता में, टोटेलिटी में काम करके दिखाना पड़ेगा, सस्ती लोकप्रियता के लिए शॉर्टकट अपना के ये लोग चाहते हैं किसी समस्या का हल निकल जाए, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। आम जन को राहत मिले, संवैधानिक तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से पुलिस चल सके, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। जल्दबाजी में पुलिस सुधार नहीं हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा। ये लोग मीडिया के लिए आने के लिए, मीडिया में वाहवाही लूटने के लिए कुछ भी बता देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, जमीनी स्तर ऐसे नहीं बदलेंगे। उसके लिए इच्छा शक्ति के साथ, ईमानदारी के साथ, अनुभव के साथ, प्रोफेशनल तरीके से, विनोद सिंह जी कब तक ये शॉर्टकट करते हुए, कब तक ये शॉर्टकट समाधान निकालते रहेंगे, परमानेंट समाधान निकालेंगे नहीं? हालांकि ये सभी राज्य सरकारों के लिए बहुत जरूरी है। ओम प्रकाश जी जी बिल्कुल सही, और मैं अपने जो कांग्रेस के साथी हैं प्रिया जी, जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हो सकता है कहीं न कहीं सही हो और हम उसके निराकरण का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपने साथी से यह पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस से लड़ते समय, बस तोड़ते समय अगर किसी को लाठी लग जाती है तो प्रियंका वाड्रा हाय तोबा मचाकर उनके घर चली जाती है। राजस्थान में प्रिया जी सुनिए, राजस्थान में सुनिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हालांकि इस मुद्दे पर बात नहीं हो रही है जहां आप इस पूरी चर्चा को लेकर पहुंचा रहे हैं, दरअसल बात हो रही है किसका राज पर, क्योंकि ये जो राज है या फिर ये कही जो पुलिस व्यवस्था है, इस पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि हम अपना विश्वास पूरी तरह खो बैठे हैं, हम विश्वास खत्म कर चुके हैं क्योंकि पुलिस ना हमारी सुनती है और किस तरह से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है, जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने।